दस बरस में कुछ भी मोदी जी ने किए, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लिए गरीब गुरबा से, हर न कोई रोजगार के बात किए न कोई महंगाई के बात किए। नहीं 400 कहाँ, उनका तो 150 पार नहीं होगा, 150 पार नहीं होगा। युवा रोजगार चाहेगी, युवा ऐसा नहीं कि 5 किलो अनाज लेके, 5 किलो का अनाज लेके हम पूरा फैमिली खा लेंगे। बताइए आप ही है युवा को रोजगार, एकदम रोजगार चाहिए क्या? मंदिर में हम घंटा बजाएंगे जाके, बताइए। वो तो नीतीशो जी 4000 पार कर रहे थे, 4000 आएगा। चंद्रवंशी जी तो हम लोग चिंते भी नहीं है, नगर के आदमी है तब पर भी चिंते भी नहीं। मोदी हटाओ देश बचाओ। युवा 10 साल उनको मौका दिया कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के बदले सिर्फ जुमला दिए। प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी 100 सभा बिहार में कर चुके, लेकिन रोजगार का र तक नहीं बोलते हैं, महंगाई का म तक नहीं बोल पाते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है और हम भी निकले हैं चुनावी यात्रा में, और चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम पहुंचे हैं जहानाबाद, और जहानाबाद में हम जानेंगे कि आम जनता की राय क्या है, इस बार किनको जो है वो चुनेंगे। एक तरफ जो है NDRS गठबंधन से जो है RJD से प्रत्याशी बनाए गए हैं सुरेंद्र यादव, तो वहीं दूसरी तरफ जो है NDA से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी यहाँ के प्रत्याशी बनाए हैं, और वर्तमान में वो यहाँ के सांसद भी है। आम जनता की क्या इस बार मूड है, वो इस बार किनको चुनने जा रहे हैं, कौन यहाँ से जो है विजय किसकी होगी, किसके सरताज होगी, तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। क्या कहेंगे चाचा, इधर का माहौल क्या है इस बार? माहौल ने NDA गठबंधन के पक्ष में माहौल चल रहा है, हर जगह घूमिए, हर जगह लोग बताएंगे। और 10 बरस में कुछ भी मोदी जी ने किए, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लिए गरीब गुरबा से, हर न कोई रोजगार के बात किए न कोई महंगाई के बात किए, पूरे अपना किसी तरह वोट लेकर जीतते रहे। ये लोग अब की पूरे ही समाज पूरे गर्म है कि रोजगार हमारा चाहिए, महंगाई हटना चाहिए। महंगाई बहुत जोड़ों पर है, 50 रुपये सब्जी बिक रहा है, कहाँ से गरीब गुरबा खरीदेगा? 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे हैं। 80 की तो बिल लाए थे, कांग्रेस लाए थे, तो मनमोहन जी लाए थे, ये तो भाजपा के लोग तो विरोध किए थे होती गरीब बिल का, ये कहाँ कर रही, तो झूठ बोल रहे हैं। ये तो कांग्रेस का देन है, बिल लाए थे वही गरीब गुरबा के, उसी के माध्यम से मिल रहा है हर जगह। अभी पहले से मिलते आया है, लाल कार्ड पहले था, अब तो हरा कार्ड हो गया है। पहले चीनी मिलता था, करासन तेल मिलता था, कभी कभी और चीज चना भी मिलता था, तो बंद हो गया। कभी दूध भी मिलता था। इस बार बदलाव होगा, बदलाव पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है बदलाव से। और ऐसा है अब कि हमारा तो जैसा लग रहा है कि बिहार में देखने को मिल रहा है 40 में 40 सीट जीतेगा। मोदी जी कह रहे 400 पार की बात, नहीं 400 कहाँ, उनका तो 150 पार नहीं होगा, 150 पार नहीं होगा, कहाँ पार कहाँ होगा। गरीब गुरबा का कुछ नहीं दे रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, ना कोई महंगाई के बात कर रहे हैं। ये मुद्दा पर आना चाहिए उनको, तो खाली राम के लाए हैं, राम क्यों लाए हैं कि राम पहले से है, राम क्यों कहाँ लाए हैं? ये तो मंदिर कहाँ बना है, ये तो कोर्ट का एक पंचायती किया है कोर्ट। इस बार बदलाव होगा, बदलाव होना तय है, ईमान के चलिए। हम लोग पूरा इंडिया गठबंधन जीतेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। चलिए, क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल इधर का है? बहुत अच्छा माहौल है इस बार। इस बार सुरेंद्र यादव काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। हमारे जो पिछला इस बार सांसद हैं, कभी जनता के प्रति कभी नहीं उतरे। अगर कहीं क्षेत्र में कौन ऐसा जगह है जहां उनका विरोध नहीं हो रहा? युवा रोजगार चाहेगी, युवा ऐसा नहीं कि 5 किलो अनाज लेके, 5 किलो का अनाज लेके हम पूरा फैमिली खा लेंगे। बताइए आप ही है कि युवा को रोजगार, एकदम रोजगार चाहिए क्या? मंदिर में हम घंटा बजाएंगे जाके, बताइए, मस्जिद में घंटा बजाएंगे, मंदिर मस्जिद में वोट अभियान नहीं मिलने वाली है। इस क्षेत्र में विकास कितना किया है? कुछ विकास ऐसा नहीं है, कहीं बताएगा को बता दीजिए कि विकास किए हम, कोई आपको बता दीजिए ना भाई, कोई बता दे कि हमारा को विकास किए, कुछ एक पैसा का विकास नहीं। क्या लग रहा है, बदलाव तो होगा पूरा 110% एकदम निश्चित, 1 लाख वोट से सुरेंद्र यादव, 1 लाख, हाँ 1 लाख वोट से। पिछले बार भी तो चुनाव लड़े थे, वो गलत पैन हरा दिया गया था कि हाँ जी, बेमानी किया गया था, हाँ यहाँ बेमानी हुआ था। तो इस बार क्या लग रहा है, फिर से ऐसा हो? बहुत बहुत अच्छा चुनाव है, माहौल घूमिए ना भाई, आप लोग तो पत्रकार बन, 400 पार, वो तो नीतीशो जी 4000 पार कर रहे थे, 4000 आएगा, हाँ जी 4000 आएगा कहीं। नीतीश कुमार 4000 के पार की बात जो एक बार बोल रहे हैं कि बोलने में एज हो गया, अरे उनका जमीन से पर घिसल गया, गया जमाना, तो गया चाहिए, एकदम चाहिए। बताइए ना भाई, आप युवा हैं, 5 किलो में खा पी लीजिएगा, जो कम से कम एक अथी का मजदूरी 500 हो गया, पूरा 5 गो परिवार है चल जाएगा, परिवार इतना महंगा, ये 50 रुपये सब्जी है, बताइए ना भाई, एगो शर्ट का कीमत 1000 रुपया, जो ना दे 5, कुछ हो ना किया। चलिए, और भी कुछ लोग हैं चाचा, क्या कहेंगे इधर का क्या माहौल है इस बार? यहाँ बदलाव का, परिवर्तन का एकदम लहर चल रहा है,
और तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग आरजेडी को वोट दे रहे हैं और यहाँ का चंद्रवंशी जी बुरी तरह से हारेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो वोट दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नाम पे वोट दे रहे हैं या यहाँ सुरेंद्र यादव अच्छा काम करेंगे ऐसा लग रहा है? हम लोग तेजस्वी यादव के नाम पर और मगध सम्राट जी के भी नाम पर वोट दे रहे हैं। तो बदलाव इस बार होगा क्योंकि हम लोग के लोकप्रिय नेता हैं सुरेंद्र यादव, लोकप्रिय नेता, हम लोग के दुख सुख में आते जाते रहते हैं। चंद्रवंशी जी नहीं आते हैं? नहीं, चंद्रवंशी जी को तो हम लोग चिन्हते भी नहीं है, नगर के आदमी है तब पर भी चिन्हते भी नहीं पहचानते हैं। हम लोग स्टेशनरी एरिया में घर है, पूरा क्षेत्र समझिए पानी से डूबा हुआ है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। एकाध वो कहीं बोर्ड दिखाइए ना चंद्रवंशी जी का पूरे नगर में 300 वार्ड में। तो इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा, एकदम होगा। क्या क्या इस बार क्या माहौल है? बहुत बढ़िया जी, आरजेडी बहुत भारी। सुरेंद्र यादव पिछले बार भी लेकिन थे मैदान में, हार गए थे। तू हराया गया था ना उनको? चंद्रवंशी जी दावा कर रहे हैं कि फिर से इस बार आ रहे हैं। ना, इस बार कहाँ, कोई चिंता है उनको यहाँ पर? तू पहचानते भी नहीं? नहीं। विकास कितना किए हैं? चिन्ह में नहीं करता तो विकास कुछ करे, कोई काम है, कोई नेम प्लेट कहीं दिखे है उनका? क्या माहौल है इस बार? जहानाबाद जीत है, सुरेंद्र यादव जीत रहते हैं। वो बेकार चंद्रवंशी जी घूम रहे हैं, उनको बोलिए कि घर पर बैठ जाए, कोई फायदा नहीं है। नहीं किया क्या नाराज? विकास है या ना, कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं, कुछ नहीं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है इधर? यहाँ तो बदलाव का चल रहा है, बदलाव चाहिए। हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ जी। हाँ, मोदी जी देश बचाओ, मोदी जी हराबो। अच्छा, मोदी को हराओ। हाँ, देश बचाओ। किसको प्रधानमंत्री बनाना है इस बार? जो बन जाए, कांग्रेस बन जाए चाहे ये बन जाए। चलिए, क्या कहेंगे भैया, माहौल क्या है इधर? माहौल बदलाव का है, बदलाव का माहौल है। क्यों बदलाव आखिर क्यों चाहते हैं? इधर विकास नहीं हुआ क्या? जो बेसिक मुद्दे की बात करेगा, अभी बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, इस पर मोदी जी आते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं। युवा 10 साल उनको मौका दिया कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के बदले सिर्फ जुमला दिए, सिर्फ जुमलाबाजी करते, रोजगार नहीं दिए। प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। हाँ। तो क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगी, मूड बना लिए हैं। जहानाबाद में कौन आ रहे हैं? हर एक युवा का मूड है बदलाव का, बदलाव का। जो बेसिक यादव है, जो बेसिक मुद्दे की बात करेगा युवा उसी को लाएगा। कौन बात कर रहे हैं आप? वो तो आप भी देख रहे हैं कि बेसिक मुद्दे पर कौन बात कर रहे हैं। तो आप यहां प्रधानमंत्री जी 1000 सभा बिहार में कर चुके, लेकिन रोजगार का र तक नहीं बोलते हैं, महंगाई का म तक नहीं बोल पाते हैं, आखिर कब तक? जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सुरेंद्र यादव एक प्रत्याशी है, चंद्रवंशी जी। क्या लग रहा है इस पर मुकाबला क्या होगा? मुकाबला तो कुछ दिख ही नहीं रहा है धरातल पर, इधर माहौल एक तरफा माहौल है महागठबंधन की ओर। महागठबंधन सुरेंद्र यादव हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्लियर है। चलिए, क्लियर है, सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। तमाम जो जनता है, आम पब्लिक है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि चंद्रेश्वर चंद्रवंशी कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से काफ़ी ये लोग जो है नाखुश दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। बेरोजगारी जो है मुद्दा काफ़ी अहम ये लोग मान रहे हैं, देश में बेरोजगारी का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। तमाम तरह की बातें करते नजर आए जहानाबाद के आम लोग। ग्राउंड जीरो पे हम पहुंच करके आपको हकीकत दिखाया क्या कुछ यहाँ का माहौल है। और इस बार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो है कह रहे हैं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे और सुरेंद्र यादव जो है तकरीबन 1,00,000 वोट से विजयी होंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा, 4 जून को ये फैसला हो जाएगा कि किनके पक्ष में जो है जहानाबाद लोकसभा का सीट आएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही, और तमाम खबर देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।